एक नया और एक्साइटिंग वीडियो में दोस्तों आप सबका स्वागत है तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे माई इनोवेशन का बना हुआ 48 एट वोल्ट का लिथियम बैटरी पैक विथ 15 ए AH. कैपेसिटी दोस्तों ये वाला जो बैटरी पैक है दोस्तों ये 48 एट वोल्ट के हाफ मोटर बोली या फिर 48 एट वोल्ट का जो गियर वाला मोटर होता है उन सब में यूज़ हो सकता है एंड ये लिथियम आयोन बैटरी से बना हुआ बैटरी पैक है आप इजीली आपका टोटो में बोलिए या फिर अगर गो कार्ड बनाए रहे हो फोर्टी वोल्ट से कोई मोटर से तो ईज़ी इस बैटरी का यूज़ कर सकते हो तो इस वीडियो में बाद सिर्फ बैटरी ही नहीं हुई इसका कंपेटेबल चार्जर दोनों का अनबॉक्सिंग करेंगे एंड आपको बताएंगे एंड उसके साथ दोस्तों बैटरी का एज कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है मतलब एज से कितना माइलेज आपको मिल पाएगा उसका कैल्कुलेसन भी दिखाएंगे दोस्तों इस वीडियो पे तो वीडियो में बने रहेगा बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा तो दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं बैटरी के ऊपर क्या क्या लिखा है पहले देख लेते हैं दोस्तों फोर्टी एट वोल्ट एंड फिफ्टी एन एच का बैटरी इधर पे चार्जर स्पेस्टर लिखा हुआ है फिफ्टी फोर पॉइंट सिक्स वोल्ट का चार्जर होता है क्योंकि जो फोर्टी एट वोल्ट का हम लोग का लिथीमन बैटरी होता है उसका फुल चार्ज वोल्टेज होता है फिफ्टी फोर पॉइंट सिक्स एंड दोस्तों सिक्स एम पे मतलब फास्ट चार्जर ये झेल सकता है फास्ट चार्जर कंपैटिबल है इधर पे कॉशन में कुछ लिखा है कि टर्मिनल शॉर्ट ना करे बैटरी को ओपन टियर ना करे ये सब वगैरह ठीक है एंड बैटरी देखिए ऐसा दिखने में होगा मैं आपको डायमेंशन थोड़ा मेजर करके बोल देता हूँ इधर पे जो डायमेंसन है आपका देखिए लंबाई जो है बैटरी का ट्वेंटी एट सेंटीमीटर का अप्रॉक्स है इसका चौड़ाई आपका नाइन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर हाइट नाइन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है एंड जो चौड़ाई है है आपका 12.5 सेंटीमीटर के करीब दोस्तों तो बैटरी पूरा सॉलिड है एकदम इसमें से दोस्तों दो वायर आपका निकलता है मतलब फोर वायर निकलता है दो आपका डिस्चार्जिंग के लिए ये वाला दो जो वायर है दोस्तों ये 1.5 पॉइंट mm एम एम का मोटा वाला वायर यूज़ किया गया है तो इस आपका डिस्चार्जिंग पोर्ट निक निकलेगा और इधर पे दोस्तों वन एम का वायर यूज़ किया गया है आपका चार्जिंग के लिए ठीक है ये वाला आपका चार्जिंग का जो सॉकेट है चार्जिंग सॉकेट अब अगर अब देखेंगे तो देख सकते हो कि इधर पर एक ऐसा स्प्रिंग सिस्टम का कैब लगा हुआ था ये दोस्तों मेरे इस कारण से लगा हुआ था कि ऐसा अगर ओपन होगा ना तो कोई अगर मेटल पर इसके अंदर चला गया बाई चांस पॉजिटिव नेगेटिव शॉर्ट हो सकता है तो ये ऑटोमेटिक ऐसे क्लोज हो जाता है ठीक है स्प्रिंग सिस्टम है तो ये बहुत ही अच्छी बात है इसमें ठीक है अभी चलिए मैं बैटरी का आपको थोड़ा वोल्टेज मेजर करके दिखा देता हूँ तो अभी देखिए मैंने मल्टीमीटर निकाला इधर पर मैं सिलेक्ट करूँगा टू वोल्ट पे क्योंकि ये फोर्टीन वोल्ट का बैटरी है तो अभी चले फिलहाल मेजर करते हैं इसका वोल्टेज ये वाला पॉजिटिव ही इसका ऐसा लगा हुआ है तो अभी देखिए पूरा लगभग फुल चार्ज है बैटरी फिफ्टी टू पॉइंट फाइव वोल्ट ठीक फिफ्टी टू पॉइंट फाइव वोल्ट लगभग फुल चार्ज है अभी बैटरी ठीक है तो दोस्तों अभी बात करेंगे इसके चार्जर के बारे में चार्जर देखिए ऐसा आता है ये वाला जो चार्जर है दोस्तों ये थोड़ा हेवी हेवी टाइप का चार्जर है मगर फास्ट चार्जर है ठीक है इसमें आप देख सकते इसका जो फुल चार्ज वोल्टेज है वो दोस्तों सॉरी फुल चार्ज जो होगा का 54.74 लिखा हुआ है एंड आउटपुट करें सिक्स एमपेयर का फास्ट चार्जर है ठीक है तो इस चार्जर का देखिए वायर क्वालिटी बहुत ही अच्छा है बहुत ही मोटा वाला वायर यूज़ किया जा सक जाता है एंड इसका जो चार्जिंग का कॉर्ड है वो ये वाला कॉर्ड है इस कॉर्ड को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा इसके अंदर ऐसे रिमूव करके ऐसे अंडर में डालना पड़ेगा तो चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा ठीक है एंड दोस्तों इसके अंदर एक इनबुल्ड फैन भी है जो चार्जर को कूल करता है क्योंकि सिक्स एमपेयर का चार्जर आप सोच सकते हो बहुत हाई पावर का एंड दोस्त इस पर चार्जिंग एंड डिश मतलब फुल चार्ज एंड नॉर्मल चार्जर का इंडिकेटर है अभी इधर देख सकते हो चार्जिंग इंडिकेशन आपका ऑन होगा मतलब ग्रीन एल फुल चार्ज पे रेड एल थोड़ा उल्टा है ज्यादातर चार्जिंग पे हम लोगों का रेड एल होता है बाकी जो हो फुल्ज पे रेड एल होता है एंड चार्जिंग पे ग्रीन एल मैं थोड़ा इसको ऑन करके आप लोगों को दिखाता हूँ ये मैंने चार्जर को ऑन कर दिया इधर पे फोकस कर देखिए रेड एल अभी जल रहा है ठीक है मतलब ये अभी कनेक्टेड नहीं है बाकी पता नहीं है क्योंकि हम इसको फुल चार्ज कर दिए बैटरी को हाँ तो देखिए बैटरी जैसे कि फुल चार्ज है तो अभी इस पर फुल चार्ज इंडिकेशन ही शो कर रहा है ठीक है पूरा नया बैटरी है एकदम तो ऐसे दोस्तों आपको बस इस सिंपल से इस पर कनेक्ट करना होगा तो आपका ग्रीन एलईडी ई पे शो करेगा जब ये फुल चार्ज हो जाएगा बैटरी तो ग्रीन जो एलईडी है वो आपका डेढ़ एल -डे -डे में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ये लोड पे इसका इनगुल फैन ऑलरेडी ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है एंड इसको कूल करता है चार्जर को तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि भाई आप कैलकुलेशन करें कैसे करेंगे बैटरी के माइलेज की तो देखिए आपका जो 48 एट वोल्ट का मोटर होता है ज्यादातर वो 48 एट वोल्ट एंड आपका 500 हंड्रेड वाट का होता है ठीक है 48 एट वोल्ट एंड 500 हंड्रेड वाट का होता है अभी देखिए आपको सिंपल से क्या करना होगा 500 हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर्टी ठीक है करेंगे तो कितना आपका निकलता है 10.41 तो लोड करेंट लोड करेंट आपका टेन पॉइंट फोर वन मगर दोस्तों ये जो टेन पॉइंट फोर वन एम्स निकलता है टेन पॉइंट फोर एम्स एकदम फुल लोड का है मतलब सपोज कि अगर आपको, आपको मोटर में बोला जाए कि भाई चार आदमी बैठने का जगह आपको टोटो में सपोज ठीक है फोर आदमी की बैठने की जगह है तो आप फोर आदमी ही अगर बिठाएंगे तो आपका फुल लोड हुआ तो तब शायद ये जाके 10.4 लेता है मगर ज़्यादातर 90 परसेंट केसेस में इतना ज़्यादा करेंट नहीं होता 500 हंड्रेड वाट एकदम फुल लोड पे होता है ज़्यादातर ये उससे कम होता है तो आपका मोटर का जो स्पेसिफिकेशन लिस्ट होगा मतलब जहाँ से मोटर खरीदते तो हैं उधर पे एक स्पेसिफिकेशन लिस्ट होता है जहाँ पे आपको करें, लोड करेंट नॉर्मल लोड एंड फुल लोड का अलग से वाटेज दिया हुआ रहेगा करेंट का डिफरेंस भी दिया हुआ रहता है ठीक है तो मैं अगर फुल लोड पकड़ लूँगी कि एकदम मैक्सिमम लोड जितना मोटर का उतना लोड पर भी मोटर काम कर रहा है तो देखिए ये वाला बैटरी आपका फिफ्टीन ए का हुआ तो आप कैसे क्या करेंगे कि 15 डिवाइडेड बाई 10.4 करेंगे अभी देखिए 15 डिवाइडेड बाई 10.4 होता है आपका 1.44 मतलब कि आपका गाड़ी जो है वो 1.44 पॉइंट फोर आवर चलेगा अभी देखिए आपका फुल वाट मतलब कि एकदम फुल स्पीड में मोटर काम कर रहा है फुल स्पीड में जा रहा था फोर्टीट वोल्ट का जो मोटर होता है फुल स्पीड में आपका थर्टी टू थर्टी किलोमीटर तक स्पीड दे देता है मैं थर्टी किलोमीटर पकड़ता हूँ तो आपका स्पीड कितना हुआ थर्टी किलोमीटर पर आवर ठीक और ये चल रहा है आपका वन पॉइंट फोर फोर आवर ठीक है तो वन पॉइंट फोर फोर आवर चल रहा है तो हम लोगों का बैकअप देगा इंटू वन पॉइंट फोर फोर तो बैकअप देता है फोर्टी थ्री पॉइंट टू किलोमीटर ठीक है फोर्टी थ्री पॉइंट टू किलोमीटर हम लोगों को बैकअप मिल जाएगा इस बैटरी से ऐसा ही दोस्तों आपको इजीली कैलकुलेट करना है कि बैटरी कितना मैक्सिमम बैकअप दे सकता है अब दोस्तों अगर नॉर्मल बैकअप की बात किया जाए मिडिल लोड पे तो हम लोग फिर फाइव एमपीयर करेंट पकड़ लेते हैं फाइव एम्पेयर तो हम लोगों करना पड़ेगा फिफ्टीन डिवाइडेड बाई फाइव तो फिफ्टीन डिवाइडेड बाई फिफ्टीन डिवाइडेड बाई फाइव तो हम लोगों का थ्री घंटा हो गया ठीक है अभी थ्री घंटा हम लोग पकड़ते हैं एवरेज स्पीड अभी पकड़ते हैं बीस किलोमीटर अगर पकड़ेंगे ठीक है तो बीस किलोमीटर इंटू थ्री करेंगे तो हम लोगों का सिक्सटी किलोमीटर तक बैकअप मिल जाएगा ठीक है तो मुद्दा बात ये है कि अगर मिडिल लोड पर आपको काम करना है फुल लोड के काम करना है उसके हिसाब से आपको बैकअप निकालना पड़ेगा ये जो कारेंट रेटिंग है ये आपको मेन स्पेसिफिकेशन जो होता है मोटर जहाँ से ले रहे उसका स्पेसिफिकेशन लिस्ट डाटा सीट दिया जाता है तो उधर से आपको ये वाला वैल्यू मिल जाएगा कितना वाट पे काम करना है ऐसे करके इजीली आप बैकअप निकाल सकते हो ठीक है अभी दोस्तों और एक जो इंपॉर्टेंट बात है देखिए वारंटी के बारे में दोस्तों वारंटी देखिए इस बैटरी के साथ सिक्स मंथ का वारंटी दिया जाता है जहाँ पे आपका अगर बैटरी डैमेज हुआ होगा मतलब अंदर से अगर कोई इंटरनली डैमेज होगा जिसके बाद बैटरी काम नहीं कर रहा है तो ऑबियसली इसको रिप्लेस आप लोग ईजिली कर सकते हो मगर अगर फिजिकल डैमेज हुआ तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है ठीक है तो ऑलवेज बैटरी को जब आप लोग यूज़ करेंगे तो कोई अच्छा सा केस बना लेना बैटरी के ऊपर ताकि बैटरी में पानी वानी ना जाए एवं एकदम प्रोटेक्टेड रहे ठीक है एंड दोस्तों अगर सिक्स मंथ के बाद में अगर बात करो तो सिक्स मंथ के बाद में दोस्तों इसका ज़्यादातर लिथेमैन अगर खराब होता है तो या तो इसका बी डैमेज

मतलब बी एम एस जो है थर्टीन एस ट्वेंटी एम पे का बी एम एस किया गया है अभी थर्टीन एस मतलब देखिए थर्टीन क्रॉस फोर पॉइंट टू मतलब फुल चार्ज वोल्टेज होता है फिफ्टी फोर पॉइंट सिक्स वोल्ट होता है ठीक है एंड इसका अगर आप वो कम्बिनेशन की बात करेंगे तो दोस्तों इधर पे आपका सिक्स सिक्स पी होता है एंड थर्टीन एस थर्टीन एस सिक्स पी का ये बैटरी होता है दोस्तों ठीक है अभी ईच सेल आपका दोस्तों टू पॉइंट सिक्स एच का होता है एंड सिक्स मतलब फिफ्टीन पॉइंट सिक्स होता है ठीक है 15.6 इसका एक्चुअल एच वैल्यू होता है जहाँ पे दोस्तों बी ए के बाग बैंड का बी ए के बैंड का छब्बीस सौ एम का सेल हम लोग यूज़ करते हैं इस बैटरी को बनाने के लिए ठीक है ये वाला सेल थ्री सी वाला सेल होता है एंड बारह सौ साइकिल होता है एक हज़ार दो सौ साइकिल का ये वाला होता है आपका बैटरी ठीक है बाकी दोस्तों इसका परचेसिंग में दोस्तों वीडियो रेशो से डाल दे उधर पे जाकर आप बैटरी का फुल स्पेसिफिकेशन मतलब जितना लंबा लिस्ट आपको चाहे उतना लंबा लिस्ट आपको फुल स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा बैटरी का एंड उसका परचेसिंग भी मिल जाएगा बस दोस्तों फिफ्टीन एच का नहीं जिन लोगों का बजट काम होता है वो लोगों दोस्तों हम लोग सेवन पॉइंट का भी बनाते हैं छोटा साइज में एंड फिफ्टीन एज से थोड़ा बड़ा साइज में भी बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एज रेटिंग में डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रेटिंग से ठीक है बाकी दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगेगा जो से बताएगा एंड अगर आप लोगों में से कोई भी कंफ्यूजन है बैटरी को रिलेटेड तो ऑब्वियसली दोस्तों आप लोग माइनस में से परेस कर सकते उधर पर एकदम जेन्यून बैटरी आप लोगों में मिल जाएगा एंड कोई भी कंफ्यूजन हो तो जल्द से कॉमेंट कर दीजिएगा मैं जल्द से रिप्लाई भी दे दूंगा दोस्तों बहुत जल्दी मिलता हूं वीडियो के साथ तब तक के लिए बने रहिए